जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रमाण देने वाला हूँ भारत के विश्व गुरु होने का। तो दूसरे देश ये बोलते हैं कि आज भारत हमारे स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो ये बात गलत है। हमने 6वीं शताब्दी में ही अपना एक स्मार्ट सिटी बना दिया था, और नासा ये बोलता रहता है कि उसने एलियन की खोज की है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। हमने 6वीं शताब्दी में ही एलियन के यहाँ होने की खोज कर चुके हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्मार्ट सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें वो सारी सुविधा थी जो आज के स्मार्ट सिटी में होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और जो लोग सिरपुर आने वाले हैं वो लोग यहाँ आके गाइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो सिरपुर का इतिहास है वो बिना गाइड के आपको नहीं मालूम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि NH 53 होते हुए रायपुर से मुंबई कोलकाता हाईवे में आपको वहां से जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 1 क्लास रोड आपको वहां से मिलेगा, आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। फिर वहां से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर जाते ही आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, वहां से सुंदर जंगल होते हुए आप सिरपुर के नगरी में जाएंगे। किसी भी स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसे जल थल से कनेक्ट करना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस शहर को महानदी के पास बसाया गया। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ से व्यापार देश विदेश में हो, और दूसरा ये कि महानदी के इसी जगह पर इसे क्यों बसाया गया। तो कोई विकसित शहर विकसित तब कहलाता है जब वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, इसीलिए इस शहर को महानदी के इस क्षेत्र में बसाया गया, क्योंकि महानदी यहाँ पर 21 डिग्री ईशान कोण मतलब दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ धनुष का आकार लेते हुए बहती है। इसे जब कभी भी बाढ़ की स्थिति आए तो बाढ़ का पानी सीधे बह जाए और शहर को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, इसलिए इस शहर को नदी के इस तट पर बसाया गया। अब बात करते हैं किसी भी शहर को भूकंप से बचाने के लिए हमारे कारीगर उस समय कौन सी टेक्निक अपनाया करते थे। तो अभी जो वर्ल्ड क्लास वैक्यूम टेक्निक की हम जो बात करते हैं, जिसको हमने हज़ारों साल पहले ही यूज़ कर लिया था, इसका प्रमाण आपको सिरपुर के सुरंग टीले में मिल जाएगा, जो 12वीं-14वीं शताब्दी के भयंकर भूकंप के बावजूद आज भी सुरक्षित खड़ी है। उस समय की वैक्यूम टेक्निक की बात करें तो मकान की नींव 80 फुट गड्ढा खोदकर की जाती थी और वैक्यूम करके उसे बंद कर दी जाती थी, जिससे सालों साल इमारत को कोई नुकसान नहीं होता था। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने इसका प्रमाण मांगा कि आप वैक्यूम टेक्निक का उपयोग उस समय कैसे किया करते थे। तो हमारे जो अरुण शर्मा जी हैं, जिनके नेतृत्व में सिरपुर में खुदाई हुई है, उन्होंने बताया कि उस समय हमारे लोग 80 फुट गड्ढा खोदकर उसमें जंगल से बहुत सारे पत्ते लाकर उसमें डालकर जला देते थे, फिर जैसे ही गर्म हवा निकलने लगती थी तो उसे बंद कर दी जाती थी, जिससे मकान की नींव को मजबूती मिल जाती थी और मकान सालों साल बहुत सारे भूकंप के बावजूद आज भी खड़ी हुई है। तो इसे सुनकर जो विदेशी वैज्ञानिक है वो आश्चर्यचकित भी हुए। और दूसरी बात, जो उस ज़माने में मकान बनाने में जो ईंटें यूज़ होते थे वो आज के ज़माने से 5 गुना हल्के और बहुत मजबूत होते थे। यहाँ भी एयर बबल का यूज़ होता था, जिससे मकान गर्मी में ठंडा रहे और ठंड में गर्मी रहे। उस समय ईंटें को बनाने के लिए मिट्टी और धान के भूसे का उपयोग किया जाता था। मिट्टी और धान के भूसे का पेस्ट बनाकर उसे जब भट्टे में पकाया जाता था तो अंदर जो है भूसा पककर एयर स्पेस बनाता था, जिससे ईंटा अंदर पकता था और बाहर भी पकता था और आज के ज़माने से 5 गुना ज़्यादा मजबूत भी बनता था। तीसरा, आज हम जिस सीमेंट से 2 ईंटों को जोड़ते हैं, इस जगह पर हम आयुर्वेदिक पेस्ट का उपयोग करते थे, जिसके कारण आज तक सिरपुर के पुरातात्विक मकान अभी भी ईंटों से जुड़ी हुई है। आयुर्वेदिक पेस्ट के रूप में उस समय गोंद, सड़ा हुआ गुड़, बेल का गुदा, अरसी आदि का उपयोग किया करते थे, और प्लास्टर के रूप में हम चूने का उपयोग किया करते थे। आइए अब बात करते हैं व्यापार और चिकित्सा के बारे में, जो एक शहर को एडवांस शहर बनाती है। आज तक सिरपुर की खुदाई में जो सबसे बड़ी सफलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुदाई में मिलना। अभी तक इस बाजार की खुदाई के बारे में बात करें तो इसमें 48 अन्नागार, 20 आयुर्वेदिक स्नान कुंड,
10 बिस्तरों वाला अस्पताल, बौद्ध जैन हिंदू मंदिरें और बाजार से बाहर जाने पर नदी के रास्ते पर बंदरगाह मिला है, जो ये प्रमाण देता है कि हजारों साल पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा। इसका सबूत यहाँ पर एक पकाई हुई सील से मिले, जिसमें पारसी में लिखा था बंदरे मुबारक सूरत, जिसका मतलब कि यहाँ विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ से सामान नदी के रास्ते कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी से पूरे उत्तर पूर्व एशिया में और सड़क के रास्ते सूरत होते हुए अरब के देशों में जाते थे। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि आज हम इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं, वैसे ही उस समय लोग व्यापार के साथ साथ चिकित्सा के लिए यहाँ आते भी थे, जिसका सबूत है 20 आयुर्वेदिक स्नान कुंड, जहाँ मरीज को उनके बीमारी के हिसाब से आयुर्वेदिक लेप के द्वारा नहलाया जाता था, और 10 बेड वाला अस्पताल का मिलना, जहाँ से एक हड्डी भी मिली है जिसमें रॉड लगा हुआ था, जिसे ये पता चलता है कि हमारे चिकित्सक हजारों साल पहले से ही सर्जरी करना जानते थे। इसके अलावा 48 अन्नागार मिले, जहाँ अन्न जमा करके रखा जाता था और उसी अन्न को बाहर भी भेजा जाता था। कहते हैं कि यहाँ अनाज का इतना भंडार था कि अगर यहाँ अकाल भुखमरी आए तो 28 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ को खाना खिलाया जा सकता था, तो इतना भंडार इस बाज़ार में था। इसी बाज़ार में बौद्ध मंदिर मिला है, जहाँ कहते हैं कि महात्मा बुद्ध यहाँ प्रवचन देने आए थे। अब देखिए कि महात्मा बुद्ध जैसे सबसे बड़े गुरु यहाँ आए होंगे, तो ये जगह सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि जो महात्मा है वो उसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते होंगे, जिससे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अब जो सबसे बड़ा दावा इस सिरपुर की खुदाई में किया गया है, जिसकी रिसर्च के लिए अमेरिका के एंशियंट एलियन की टीम भी यहाँ आई थी, उसका मैं प्रमाण देने वाला हूँ। तो सिरपुर की खुदाई में बाजार क्षेत्र में 2600 साल पुराना पका हुआ मिट्टी का पुतला मिला है, जो सिरपुर को दूसरे ग्रह से जुड़ने का साक्ष्य बन जाता है। इसका दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उस समय लोग जो सामने देखते थे वही वो अपने चित्र या मूर्ति के द्वारा सामने प्रस्तुत किया करते थे। ये लाल कलर का नमूना जो आप देख रहे हैं वो नासा के द्वारा जारी किया हुआ नमूना है, और दावा किया गया था कि एलियन कुछ इस तरह का दिखता है। वहीं हमने सैकड़ों साल पहले ऐसा नमूना हम बना चुके थे, और जो नासा का दावा है कि उसने पहले एलियन की खोज की है वो बिल्कुल गलत है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने एलियन की खोज पहले कर चुके हैं। इसके अलावा सिरपुर व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास कर चुके हैं। इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर अनेक जैन विहार, बौद्ध विहार, मंदिरें, जो ये बताते हैं कि श्रीपुर धर्मनिरपेक्ष वाला शहर था। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिरपुर ज़रूर जाएं और वहाँ जाके आप गाइड कीजिए, तो आप अच्छे से सिरपुर का इतिहास आप वहाँ देख भी सकेंगे और उसे जी भी सकेंगे। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग हैं, और लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।